हैप्पी दिवाली गाइस, आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक हैप्पी दिवाली लिख कर दिखाने वाला हूँ। गाइस, ये कोई नॉर्मल हैप्पी दिवाली लिखा हुआ नहीं है, इसके अंदर लगी है लाइट्स जो कि आरजीबी लाइट्स लगी हुई है और ये काफ़ी मस्त जलती है। तो इस वीडियो में मैं इसी को बनाने वाला हूँ, तो वीडियो कम्प्लीट रख कीजिए। चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा एंड वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको पीवीसी पाइप के शीट से कुछ इतना पतला पतला पीस कट कर लेना है, लंबा लंबा। यहाँ पे अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है यहाँ पे 0.7 सेंटीमीटर के अप्रोक्स है। उसके बाद हमको कोई सा भी शीट लेना है, प्लास्टिक का मैं यहाँ पे शीट यूज़ करने वाला हूँ, थोड़ा मोटा रहना चाहिए और जो इसका प्लेन सरफेस रहना चाहिए। उसके बाद हमको इसके ऊपर लिखना है हैप्पी दिवाली। और गाइस, आप यहाँ पे लिख सकते हैं या फिर प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, प्रिंट आउट एक पेपर पर निकाल के उसी के अकॉर्डिंग इस पर डबल लाइनिंग का जो वर्ड लिखना है, अल्फाबेट जितने भी लिखेंगे हम लोग डबल लाइनिंग में लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने हैप्पी लिख दिया है। ड्राइंग थोड़ा कमजोर है गाइस, फिर भी मैं अच्छा तरह से लिख दिया हूँ। अब क्या करेंगे, जो हम लोग का सीट का पीस है इससे हम लोग क्या करेंगे कि जो पतला है और नरम भी है तो इसको मोड़ मोड़ के हम लोग जो डबल लाइनिंग किए हैं उसी अकॉर्डिंग जितने भी अल्फाबेट हैं सभी अल्फाबेट का शेप हमको इसको दे देना है, एक आकार बना देना है सभी इसी जो है लाइन जो पाइप है इससे मोड़ मोड़ के। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सभी अल्फाबेट का एक अच्छा सा शेप दे दिया है, आप इजिली सब शेप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो है ए है और देख सकते हो आप लोग गाइस ए जो है वाई है, काफ़ी मस्त देखने में लग रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। इसी तरह आपको भी बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने हैप्पी दिवाली इसको किस इस प्रकार से रख दिया है, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। आपको ऐसा बनाना है कि लगे हाँ कि जो अल्फाबेट है वो रियल लग रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आरजीबी लाइट ले लिया है। ये जो आरजीबी लाइट है हमको लोकल मार्केट से 2 रुपये का पड़ा है। आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आपके यहाँ कितने का मिलता है ये बल्ब। उसके बाद गाइस, इसका जो वायर है इसमें इस वायर को हमको 90 डिग्री के एंगल पे कुछ इस प्रकार से मोड़ देना है, जितने भी हम लोग ने बल्ब इसमें यूज़ करना है सभी को। उसके बाद जो हम लोग का हम लोग ने अल्फ़ाबेट लिखा है इस अल्फ़ाबेट को हमको कुछ इस प्रकार से इसी प्लास्टिक शीट पर रख देना है। कॉटन में ऑयल लगा के कोई सा भी ऑयल जो नीचे सरफेस है उस पर और जो हम लोग का जो हमने बनाया है इसमें अच्छी तरह से ऑयल को लगा देना है। इसके अंदर हम लोग ग्लू भरने वाले हैं तो हम लोग ऑयल इसलिए लगा रहे हैं जो हम लोग का ग्लू है उसके अंदर चिपके ना, काफ़ी आसानी से निकल जाए। तो मैं अपने हॉट ग्लू गन से इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरह से जो है ग्लू भर दूंगा। आपको फिलहाल में हाफ ग्लू भरना है, मैं बता रहा हूँ हाफ ग्लू क्यों भरना है। तो जितने भी हम लोगों ने शेप बनाया है सब में हाफ ग्लू भरना है, भरते जाना है। उसके बाद जो हम लोग का बल्ब है इस बल्ब को कुछ इस प्रकार से इसमें लगा देना है हाफ भरने के बाद। उसके बाद जो एक अल्फाबेट है उसमें मैं 2 बल्ब लगा रहा हूँ, आप 3 भी लगा सकते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ सरफेस है उसमें भी हम लोग फिर से इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरह से ग्लू भर के इसको पैक कर देंगे पूरी तरह से। जो बल्ब होगा इससे क्या होगा, जो बल्ब है हम लोग का बीच में हो जाएगा। यहाँ पे कुछ टाइम बाद देख सकते हो आप लोग अच्छी तरह से सूख चुका है। सूखने के बाद जो हम लोग ऑयल लगाए हैं उसकी वजह से जो है काफ़ी आसान से कवर जाएगा बाहर। मैं यहाँ पे आपको इसको निकाल कर दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी आसानी से जो है निकल गया है और काफ़ी मस्त भी लग रहा है देखने में। उसके बाद हम लोग को इसके ऊपर का जो सीट है इसको हम लोग को निकाल देना है, सिर्फ हम लोग को ग्लू का जो शेप बना है उसको रहने देना है। तो यहाँ पे जो हम लोग ने इसको जब बनाते समय जहाँ से हमने इसको चिपकाया है वहीं से इसको मैं निकाल के यहाँ पे आप लोग दिखा रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आपका भी जो है जो ग्लू से जो सीट है वो काफ़ी आसानी से जो है आप उसको छोड़ देंगे ऐसा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरह से जो है देखने में लग रहा है। इसी प्रकार से आप देखते हो सभी जो है सभी को मैंने निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो बल्ब है उसका जो लेग है वो ऊपर साइड में है और पीछे के साइड में यहाँ पे जो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था ऊपर साइड में चमक रहा है। तो हम लोग क्या करना है कि इसको ऐसे ही लगा देना है, अगर उसको पलटेंगे तो अल्फाबेट भी उल्टा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करना है कि जो बल्ब का वायर है उसको हम लोग कुछ इस प्रकार से हम लोग को पीछे के साइड में कर देना है इस वायर को मोड़ के, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है और काफ़ी अच्छा भी लगेगा देखने में। लास्ट में आप देख सकते हो इसमें कितना मस्त लगेगा, इसको देखते रहिएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है सभी को हम अल्फाबेट में जितने भी बल्ब लगे हैं सभी को हम लोग को वायर को पीछे के साइड में मोड़ देना है कुछ इस प्रकार से। और जितने भी वर्ड हैं आप देख सकते हो काफ़ी मस्त लग रहा है, यहाँ पे जो पी है बिल्कुल समझ में आ रहा है कि अल्फाबेट जो है पी है। उसके बाद यहाँ पे है जो एल है ये भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ जा रहा है। इसी प्रकार से हमको सबको जो है ग्लू से बना लेना है। ग्लू से बनाने का गाइस कारण यह है कि ये जो है ग्लो करेगा तो पूरा ग्लो करेगा। उसके बाद एक पतला सा सीट ले लेना है। अब जो हम लोग का अल्फाबेट है इसको इसी के ऊपर जो है लगाना है सीक्वेंस से, इसी के ऊपर हम लोग लगाएंगे ताकि जो देखने में अच्छा भी लगे और ये अपने अपने जगह से हटे ना। तो लगाने के लिए जो है ग्लू से ही हम लोग इसको चिपका देंगे, काफ़ी अच्छी तरह से ग्लू से जो है इस पर चिपक जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग मैं किस प्रकार चिपका रहा हूँ, उसी प्रकार से आपको भी चिपकाना है। आप यहाँ पे सुपर ग्लू से भी इसको चिपका सकते हैं और इसकी जगह आप रॉड बोले तो कोई पतला सा कापर वायर भी लगा सकते हैं जो कि इसको स्टेबल किए रहे एक जगह, सभी को आपस में जोड़े रहे। तो यहाँ पे जितने भी हैं अल्फाबेट जो हैप्पी है एंड दिवाली अलग अलग मैं इसको जोड़ के आपको दिखा रहा हूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने हैप्पी को काफ़ी अच्छी तरह से जोड़ दिया है, जो सभी अल्फाबेट को मैंने सिक्वेंस से रखा है। उसी प्रकार से जो दिवाली है उसको भी मैंने यहाँ पे जो है लगा दिया है, देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। अब गाइस इसमें हम लोग वायर कनेक्शन करेंगे, तो वायर को आपको पैरेलल में कनेक्शन करना है, मतलब जितने भी एलईडी है सबका प्लस को प्लस में एंड माइनस को माइनस में कनेक्शन करना है, ताकि इसको हम लोग 5 वोल्ट से चला सकें। तो आपको भी जितने भी वायर इसमें कनेक्ट करने हैं प्लस को प्लस में एंड माइनस को माइनस में कनेक्ट करना है, पैरेलल में गाइस कनेक्शन करना है। यहाँ पे जो है मैंने पैरेलल में सब कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पे मैंने इंसुलेटेड कॉपर वायर का यूज़ किया है, ताकि जो बल्ब का वायर है आपस में जब टच करे तो शॉर्ट ना करे, इसलिए आप भी इंसुलेटेड कॉपर वायर का ही यूज़ कीजिएगा, आसान रहेगा। एंड मैंने दोनों में जो है अच्छी तरह से जो है वायरिंग कर दी है, और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो है हमको उसको करंट देना है, तो करंट देने के लिए मैं यहाँ पे एक डेटा केबल ले लिया हूँ, ख़राब डेटा केबल। अब इसी डेटा केबल का जो वायर है इसको हम लोग डायरेक्टली अपने जो हम लोग बनाए हैं लाइट इसमें कनेक्ट कर देंगे। आप इसमें डायोड लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, क्योंकि एलईडीज की संख्या जो है अधिक है तो डायोड नहीं लगाने की ज़रूरत है। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं अपने दीवार पे इसको सेट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है हैप्पी दिवाली करके, काफ़ी मस्त लग रहा है। जो इसका वायर है वो सीधे नीचे आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसको हम लोग डायरेक्टली अपने मोबाइल चार्जर एडाप्टर से ऑपरेट करने वाले हैं, आप पावर बैंक से भी इसको चला सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो एडाप्टर है इसमें मैं फटाफट से जो इसका केबल है उसको लगा देता हूँ, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे जो हम लोग का बल्ब है वो जल जाएगा। तो इसको अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से ग्लो करता है, काफ़ी अच्छा लगता है गैस जब ये ग्लो करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी मस्त ग्लो कर रहा है। तो जो स्टूडियो की लाइट है उसकी वजह से इसका जो है काफ़ी अधिक ब्राइटनेस आ रहा है। तो मैं स्टूडियो को लाइट फटाफट से बंद करता हूँ, फिर आप तो गाइस यहाँ पे जो है मैंने लाइट सभी बंद कर दिए हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छी तरह से निखर के बाहर आ रहा है। एक एक वर्ड आप पढ़ सकते हैं इजली कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जो कैमरा है वो उतनी अच्छी से कैप्चर नहीं कर पा रहा है जितना अच्छा से हम लोग इसको देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मोबाइल कैमरा है इसलिए वो जो है इसकी जो एक्चुअल ब्राइटनेस वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है, फिर भी आप देख सकते हो काफ़ी मस्त देखने में लग रहा है। और गाइस इसी प्रकार से आप हैप्पी दिवाली या फिर जो भी लिखना हो इसी प्रकार से लिख के अपने घर में डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत ही सस्ते दाम में बन जाएगा। जो ग्लू स्टिक है एक ग्लू स्टिक 3 या 4 रुपये का आती है, 2, 4 या 5 ग्लू स्टिक लगा है इसको बनाने में, तो आप समझ सकते हैं कितना कम प्राइस में इसको हम लोग घर पर बना लिए हैं। मैं इसको थोड़ा सा दूर करके आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो जब थोड़ा सा दूर है तो जो कैमरा है वो कैप्चर नहीं कर पा रहा है रोशनी को, बट मैं एक्चुअली इसको देख पा रहा हूँ कि क्या लिखा गया है। ऐसा जो है मार्केट में भी आता है ठीक ऐसा बना हुआ, जो कि प्लास्टिक का बना हुआ होता है, तो मैंने यहाँ पे ग्लू का बनाया है जो कि काफ़ी बेस्ट है। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।